वर्गों की संख्या ज्ञात करनी हो तो हम ऐसे एक ट्रिक के जरिए ज्ञात कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, उसी प्रकार यहाँ पर भी लिखते हैं 1, 2, 3 और 4। फिर क्या करते हैं, इसका और इसका गुना हो जाएगा 4 × 4 = 16। उसी प्रकार इसका और इसका 3 × 3, फिर नीचे 2 × 2 और 1 × 1, तो 2 × 2 और फिर 1 × 1, सबको बराबर कर देंगे। 3 × 9 हो जाएगी, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और 1 × 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर हम इन सबको जोड़ देंगे, 16 और 9 = 25, 25 और 4 = 29, 29 और 1 = 30। इस प्रकार इसमें कितने स्क्वायर है, 30।